नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने शहर की एसबीआई बैंक के सामने नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में पार्टी विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, पीसीसी सदस्य, जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष सहित अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजय साहब, कांग्रेस द्वारा आज प्रदर्शन रखा गया है, किस तरीके? आप ये देखिए कितनी गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन भी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा प्राप्त किया, आपने जो पैसा लिया उस पैसे की आप उसको डिस्क्लोज करो, बताओ जनता को कि आपको इन लोगों से पैसा प्राप्त हुआ। कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो वो भी बताता है मेरे पास इतनी इतनी संपत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि भाई आपका जो भी हिसाब है वो बताइए, और एसबीआई बैंक को डायरेक्शन दिया कि आपके खाते में जो भी इनको पैसा प्राप्त हुआ वो सारा आप डिस्क्लोजर करो, वो बताओ, उसका खुलासा करो कि ये पैसा कहां कहां से किन किन व्यक्तियों से प्राप्त हुआ। आज कोई एक साधारण आदमी भी किसी बैंक में जाता है तो अपनी डायरी देता है, उसमें प्रिंट होकर आ जाती है कि इतना इतना पैसा इस आदमी के ट्रांजेक्शन हुआ, ये लेन और ये देन। आज एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पे एक एप्लीकेशन दायर कर रही है और वो कह रही है कि मैं जून तक का समय हमें चाहिए कि हम जून तक ये बता पाएंगे कि कितना पैसा किस खाते में आया। तो हम ये समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा, जहां बैंक भी सरकार के हाथों में खेलने लग गई है। और ये सारा प्रपंच क्यों किया जा रहा है? ये सारा प्रपंच करने का एक ही मकसद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम जनता को ये पता न चल पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से, दबाव के माध्यम से कैसे उद्योगपतियों से पैसा प्राप्त किया। और ये जो दबाव की राजनीति पूरे देश में चल रही है, आज बैंक आप देखें कि बैंक जिसके पास पूरा हिसाब किताब है वो बैंक भी चार चार पाँच पाँच महीने का समय मांग रहा है कि हम हिसाब पाँच महीने बाद देंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में, इस व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था में अगर इस तरीके की कोई भी बात होती है तो ये पूरे देश के लिए कुठाराघात है, आम आदमी के लिए कुठाराघात है। और आने वाले चुनाव में क्या पारदर्शिता रहेगी, क्या खुलासा रहेगा, कोई भी बात आज की तारीख में सारा छदम रूप में ये पार्टी बीजेपी इस चुनाव को लड़ना चाहती है और आम जनता को ये नहीं बताना चाहती है कि उसने धन कहाँ से प्राप्त किया।